भाई साहब स्टार्ट करते हैं बनाना आप अपने बाजरे की कुकीज, बाजरे की टिक्की, मेवे वाली टिक्की और बढ़िया मजेदार बाजरे की टिक्की। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है। ये रहा कोकोनट पाउडर, ये हमारी पाउडर शुगर, और ये जो टीस्पून हमारी ऊपर जो टेबलस्पून हमारा एक रखा हुआ है वो है बेकिंग पाउडर, और ये हमारा इलायची पाउडर, ये हमारा मिल्क पाउडर, ये हमारे कैश्यू आमंड्स एंड ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल, और ये रहा हमारा दूध, ये है पानी। तो अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक बड़ा बाउल हमारा आटा, और साथ में एक और दो बाउल हमने आटा ले लिया, और ये आ गया 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। इसको आराम से इस तरीके से, तो अब मैं ऐड करने वाला हूँ इसमें हमारा पाउडर शुगर हमारी, ये मैंने यहाँ पे ली थी 5 टेबलस्पून पाउडर शुगर। आप अपने हिसाब से ले लो जितना मीठा आपको पसंद हो। देखो ये तो टेस्ट अकॉर्डिंग है, जितना आपको खाना है उस हिसाब से आप ले लो। और अब इसमें ऐड करेंगे अपना मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर हमने यूज करा है यहाँ पे 4 टेबलस्पून, सेम प्रोसेस। अब इसमें ऐड करेंगे अपना कोकोनट पाउडर, तो ये सारी चीजें मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी फेवरेट इलायची पाउडर। ये देखो इलायची का फ्लेवर अच्छा आता है वो तो सबको पता ही है। तो अब बाकी सारी चीजें हो गई हैं, तो अब इसको डो को भूनना स्टार्ट करते हैं। तो अब इसमें ऐड कर रहा हूँ मैं अपनी क्रस्ट मेवा यानी ड्राई फ्रूट्स। ये देखो ये आ गए हमारे ड्राई फ्रूट्स, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका डो बनाना। तो आटा रेडी हो गया है और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ गोली हमारी, चिपकी ना हो जाए ये आपके हाथ में चिपके ना, ठीक है। और ये देखो इस तरीके से फ्लैटन कर लेनी है अपने हाथ पे रख के, थोड़ा सा प्रेस करना अच्छे तरीके से, और ये लो रेडी हो गई। और अब हमें क्या करना है, ये रही हमारी तिल, तो तिली को लेकर इस पे ऐसे करके दोनों साइड हमें लगा देना है, दिख रहा है ना, लाइक दिस, इस साइड भी और इस साइड भी, दैट्स इट, रेडी हो गई। ऐसे ही हम बाकी की बना लेंगे, ठीक है। एक और आ गई तिल, और इस तरफ भी तिल, दैट्स इट, इट्स रेडी। अब चलते हैं फ्राई करने। तो भाई साहब ये देखो टिक्कियाँ बनके तैयार हो गई, कुकीज टिक्की जो भी बोलना है बोल लो, सारी बनके तैयार है। इधर ऑयल आ गया, ऑयल एकदम बढ़िया तरीके से गर्म हो गई है कढ़ाई हमारी। तो अब मैं ले रहा हूँ हमारी टिक्कियाँ, ये देखो भाई साहब ये देखो रेडी हो गया सारा सेटअप हमारा। ये रही हमारी बाजरे की टिक्की, या कह लो बाजरे की कुकीज, मेवे वाली, मीठी, जानदार, मजेदार, शानदार, एकदम लाजवाब, झकास बोले दो। तो ये तैयार हो गई, और यहाँ पे हमारे तले आलू, और ये रही हमारी रेड चटनी, ये ग्रीन चटनी, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन मैंने थोड़ा रखा है बढ़िया वाला। कुकीज़ के तौर पे चाहो तो कुकीज़ के तौर पे खा सकते हो स्नैक्स के साथ, लेकिन मैं इसको खा रहा हूँ एकदम चटपटे नमकीन तरीके के साथ में, क्योंकि यहाँ पे मैंने ली है हरी चटनी, ये रहे तले आलू स्पाइसी वाले, एकदम लाल चटनी, और ये रही हमारी कुकीज़, या कह लो बाजरे की टिक्की, इसको पिटाऊआ भी कहते हैं कुछ लोग, बट बाजरे की टिक्की एंड कुकीज़ आर द बेस्ट टू प्रोनाउंस, और कुछ भी हो यार, लेकिन एक बार ट्राई करके देखो, बना के देखो, इसका मज़ा ही अलग है। और प्लीज़ भाई चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और वीडियो को शेयर करो, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों को पहले मिल जाए। और यार प्लीज़ सपोर्ट करो भाई, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करो, बहुत ज़रूरत है सपोर्ट की अभी। कुछ भी ज़्यादा यार नहीं हुआ यार चैनल पर, प्लीज़ यार सपोर्ट करो, सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है यार। वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और यार
बनाओ जाके यार ऐसी डिश। तो आप मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय लव यू ऑल एंड स्टे इंडोर स्टे सेफ बाय बाय।